हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास टेंथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 फाइनल एक्सरसाइज का, जो कि पेज नंबर 221 का क्वेश्चन है। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। तो इसमें करना क्या है कि हमें 3 रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं, हमें 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है, 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, हमें इस तरह से इसको कंबाइन करना है कि हमें आंसर मिले एक का 9 ओम और एक का 4 ओम। तो ये क्वेश्चन हमने अपने लास्ट की वीडियो में भी कर रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप चेक कर सकते हैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके। सो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3 केसेस होते हैं। या तो वो चीज़ सीरीज़ में कनेक्ट करनी होती है जो रेजिस्टेंसेस हमें गिवन होती है, या पैरेलल में, या फिर सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन में। सो यहाँ पर अगर हम इन 3 रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो सिंपली सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, RS = R1 + R2 + R3। अब ये 3 तक इसीलिए लिया है बिकॉज यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, जब आप तीनों को प्लस करेंगे 6 + 6 + 6, तो इससे क्या आंसर आएगा, 18 ओम। बट वो तो आपका आंसर यहाँ पर ना 9 ओम है और 4 ओम है। ठीक है, तो 18 ओम तो यहाँ पर ये वाला केस होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इस तरह से चेक करेंगे अलग अलग केसेस में। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। इफ़ वी कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ द रेजिस्टर्स, दैट इज 6 ओम + 6 ओम + 6 ओम, विच इज़ इक्वल टू 18 ओम एंड विच इज़ नॉट डिज़ायर्ड। ठीक है, आपका आंसर हमें जो चाहिए या 9 ओम या फिर 4 ओम चाहिए। इफ़ वी कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, तो पैरेलल में देखते हैं किस तरह से आंसर आएगा हमारा। 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और R1, R2, R3 की जो वैल्यू है वो है 6 ओम। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज को, 1/6 + 1/6 + 1/6। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे 1 + 1 + 1, तो 1/RP = हो जाएगा 3/6। ठीक है, तो 3/6 हो जाएगा, तो सिंपली जब इसे सॉल्व करेंगे तो आरपी की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। ठीक है, तो हमें आंसर चाहिए था यहाँ पर, आप देख सकते हैं आंसर हमें चाहिए या तो 9 ओम या फिर 4 ओम, लेकिन हमने जब कनेक्ट किया सीरीज़ में तब हमारा आंसर आया था 18 ओम, वो डिज़ायर्ड नहीं था, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया तब भी आंसर हमारा सही नहीं आया, 2 ओम आया। तो अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन बनाएंगे सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से, मतलब एक ही सर्किट के अंदर सीरीज़ एंड पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर आप केस 1 देख सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं क्या किया, पहले 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया एंड देन सीरीज़ में। ठीक है, तो जब आप पैरेलल में 2 को कनेक्ट करेंगे तो उससे आपकी वैल्यू क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। 1/RP = 1/R1 + 1/R2, तो इस वाले को 6 और 6 को, इसको पैरेलल सॉल्व किया देन इसमें क्या करा, इसको सीरीज़ में ऐड कर दिया। जब इस पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो वह सीरीज़ में बन जाएगा एंड देन इस वाले सीरीज़ को ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं 1/6 + 1/6। सो उस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1, तो 1/RP = हो जाएगा 2/6। ठीक है, तो 2/6 जब हो जाएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। ठीक है, अब ये जो हमने सॉल्व किया पैरेलल में इसका आंसर आ गया 3 ओम, एंड जो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टर है उसकी वैल्यू है 6 ओम। ठीक है, R3 की वैल्यू, बिकॉज हमने R1 और R2 को तो सॉल्व कर लिया, ये R1 है और ये R2 है, इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आया 3 ओम। एंड देन जब 3 ओम आंसर आया उसके अंदर 6 ओम को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 9 ओम। ठीक है, सबसे पहले हमने पैरेलल सॉल्व किया एंड देन सीरीज, पैरेलल को सॉल्व करके हमारा आंसर 3 ओम आया एंड सीरीज़ का जो वैल्यू है वो है 6 ओम, तो 3 + 6 जब करेंगे 9 ओम, और यही हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट को हमें आंसर लेकर आना है 4 ओम। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जब आंसर 4 ओम लेकर आना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो क्या करेंगे, 2 को सीरीज़ में सॉल्व करेंगे, जिस तरह से लास्ट पार्ट में हमने 2 को पैरेलल में सॉल्व किया देन सीरीज़ ऐड करा, अब हम क्या करेंगे, सीरीज़ को सॉल्व करेंगे देन पैरेलल में फॉर्मूला पुट कर देंगे, पैरेलल फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सीरीज़ में करेंगे तो यहाँ पर आप मान लो इसको ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, तो R2 और R3 को हमने सॉल्व कर लिया, RS = R2 + R3, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 + 6 = 12 ओम। ठीक है, अब क्या करा हमने, इसको पैरेलल सॉल्व कर लेंगे 6 ओम को और 12 ओम को, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/RP = 1/R1
प्लस इसको आप 1/RS भी लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, या फिर नई R1 डैश भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 1/6 प्लस, और जो RS की वैल्यू आई है वो कितनी है 12। तो जब 6 और 12 का LCM आएगा वो 12 आ जाएगा, 6 2 2 + 1, ठीक है 3/12। तो क्या आ गया 1/RP इज इक्वल टू 3/12। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ओम, और यही हमें आंसर में चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपली क्या करा कि पहले हमने पैरेलल को सॉल्व करा एंड देन उसमें सीरीज के लिए ऐड कर दिया, एंड नेक्स्ट पार्ट में हमने अपोजिट करा, दो सीरीज को सॉल्व करा एंड देन पैरेलल में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल था, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा है, पेज नंबर 221 का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।